नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां आज शहर के मध्य रैदोपुर स्थित टाइनी टॉट्स स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन प्रिंसिपल नितिन गौड़ ने मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया। साथ में अनिल गौड़, स्कूल के स्टाफ राजीव सिंह, राजशेखर सिंह, अनवेश यादव के साथ सभी स्कूल के स्टाफ मौजूद रहे। बच्चों का उत्साह व आर्ट एवं क्राफ्ट व साइंस, हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रति रुझान देखने लायक था। राम मंदिर व स्कूल की बिल्डिंग की कॉपी का मॉडल बनाया गया था, जो काफी सराहनीय रहा। वह इस मौके पर अर्पित हृदय आदर्श का जेसीबी मॉडल, आयुष पाल द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यादवेंद्र सिंह का एटीएम, मीका के द्वारा विंड मिल, उज्ज्वल शिखल का रोबोटिक कार, आयुष शर्मा का वर्किंग मॉडल ऑफ हार्ट गजब का रहा, जिसके बारे में गार्जियन ने जो बच्चों से पूछा, बच्चों ने विस्तृत रूप से उसका जवाब दिया, जिसमें सभी गार्जियन भी प्रभावित हुए। गार्जियन द्वारा बच्चों व स्कूल स्टाफ और मैनेजमेंट व शिक्षा पद्धति की काफी सराहना की गई। वह स्कूल के प्रति काफी प्रभावित भी दिखे। स्कूल टीचर आयशा, रजनी, अतुल, आनंद, जयसिंह, अमृता, पूनम, अर्चना, रंजना, किरण, प्रिया, शादिया, सरिता एवं अन्य सभी की मेहनत को भी सराहा गया और गार्जियन भी काफी आश्वस्त दिखे। अंत में प्रिंसिपल नितिन गौड़ द्वारा गार्जियन, बच्चों व स्कूल के समस्त स्टाफ का आभार व्यक्त किया गया। गार्जियन की मेहनत के बिना इतना सफल कार्यक्रम नहीं हो पाता और टीचरों के सहयोग के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है स्कूल के प्रिंसिपल, छात्रा और अध्यापिका ने, आप सुनिए। आज नेशनल साइंस डे पे हमने साइंस एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, जो बच्चों ने साल भर सीखा है वही इन्होंने इन मॉडल्स और वर्किंग मॉडल्स में उतारा है। इसमें ये जो प्रेजेंट है, ये एक आर्ट एंड लिटरेचर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, जहाँ पे इंग्लिश में टेंस और हिंदी में सारे नाम, सर्वनाम, नाम के लैंग्वेज के सारे चीज़ें हैं। और ये आपके सामने जैसे तुलसीदास और राम जी को एक मॉडल के रूप में बिठाया गया है, इसी तरीके से बच्चों की साल भर की मेहनत, जो साल भर बच्चों ने सीखा है, आज नेशनल साइंस डे पे हमने उसे एक साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन में कन्वर्ट किया है। और क्या उत्साह बच्चों को देना चाहिए? इससे बच्चों ने जो साल भर सीखा है उसी का एक ये उदाहरण है कि ये साल भर बच्चों ने क्या सीखा है, उसी का एक रूप यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है बच्चों के माध्यम से। ये सारा बच्चों ने खुद अपने हाथ से बनाया है, इसमें टीचर्स की हेल्प है, बस ये कि बच्चों के हाथ से बने हुए सारे प्रोजेक्ट्स हैं। क्या नाम है आपका? अनन्या गुप्ता। कौन सी क्लास पढ़ती है? 7th। आज क्या प्रोग्राम किया गया था, आप लोग क्या प्रैक्टिस? साइंस एग्जीबिशन के बारे में हुआ है और कुछ डांस प्रोग्राम भी होंगे, वो शायद नीचे हो रहा है। और ये इंग्लिश का है, बगल में और भी सब्जेक्ट्स के हैं। विद्यालय का क्या नाम है? टैनी टॉट्स स्कूल। टैनी टॉट्स। अभी इसके बाद क्या कार्यक्रम होना है? अब डांस। आपके दर्शनी में क्या क्या आज बच्चों ने बनाया उसके बारे में? आप क्या बनाए? इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। लिटरेचर में क्या क्या बनाया? जैसे लिटरेचर की एक कहा जाए तो मैंने कुछ म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में बताया है, जैसे कि रवि शंकर और मुंशी बिस्मिल्ला खान। माई सेल्फ रजनी सिंह, टैनी टॉट्स स्कूल में आप सभी का बहुत वेलकम है। और यहाँ पर आज साइंस एंड आर्ट क्राफ्ट एग्जीबिशन लगा हुआ है, जिसमें बच्चों ने बहुत मेहनत की है। और जो ये बच्चों की मेहनत है वो आप लोग देख सकते हैं, अभी सब कुछ देखा है, वर्किंग, नॉन वर्किंग, साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, आर्ट एंड क्राफ्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दिया। हम लोगों ने पूरी यूनिटी कर दी है, पूरे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को यूनाइट किया है, साइंस, मैथ, किसी भी फील्ड को नहीं छोड़ा है। और बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं इस चीज़ के लिए, पेरेंट्स भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, और इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों को आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका दिया है। थैंक यू।